तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका लास्ट होप 3 के पार्ट 8 में। तो गाइस, पिछले पार्ट में हम डार्क वाटर से डिक साइड तक पहुंच चुके थे। तो मतलब डार्क वाटर पता नहीं क्या क्या कर रहा है यार। तो ये डिक साइड में भी पता नहीं किस चीज़ की खुदाई कर रहे हैं, अभी उसका राज हमें पता नहीं चला, लेकिन वहाँ भी वायरस ने अपना एकदम दमखम दिखा दिया है और मम्मीज तक जाग चुके हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी क्या क्या देखने को मिलता है हमें। ओ भाई, ये कौन से नए जीव जंतु आ गए? ओके, ये तो भाई मुंह में चोट टाइप के लग रहे हैं। ये भी जग गए। कमाल है। बहुत ही खराब होती चली जा रही है। ओ भाई, इनका तो पूरा का पूरा कबीला है यहाँ पर। और ये है क्या, अभी तक पता नहीं चला। दांत मतलब शरीर को खोना हो, दांत बहुत खतरनाक वहाँ इनके। वाओ, देख रहे हो आप, देखो पिराना टाइप। ये डॉग्स हैं भाई यहाँ के, कमाल की बात है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है ये वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। ओके, मतलब वायरस डॉग्स पे मतलब एनिमल्स पे वॉक नहीं कर रहा, सिर्फ ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। भाई तो मतलब डॉग्स हैं यार, तो ये तो एकदम प्यारे मुन्ने से एकदम दुलारे राज दुलारे होने चाहिए, लेकिन ना, ये तो काटने को खाने को बिल्कुल नोच लेने को उतारू हैं। तो फिलहाल यहाँ जॉम्बीज को हम दूर से ही निपटा देते हैं। भाई पास आने का वेट करेंगे ना। इंटेंस ही नहीं जॉम्बीज तो मान है यार, ये भी काउंट हो रहा है इस गेम में। खोपड़ी उड़ा दी है। ओके, ये भी मिशन हुआ हमारा क्लियर। अब इन पहाड़ों के बीच से हमें पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। तो यहाँ भाई गन अपडेट करना बहुत जरूरी, 9 मिनट का टाइम है, तो हम इसे स्किप करके बढ़ते हैं आगे। 9 मिनट में हमें अपडेट हमारा हमें मिल जाएगा। ओके, तो हम आ चुके हैं बैक। अब हमारा अपडेट हमें मिल गया, तो अब बढ़ते हैं गाइस आगे। ये लो भाई, तो पहाड़ों के रास्ते चलते हुए हम डार्क वाटर फैसिलिटी तक आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या नया कारनामा है। मतलब पूरे एरिया में इन्होंने अपना तमाशा फैला रखा है यार। इतना दूरी से इनके खोपड़ी में गोली उतार सके इतना भी ज्यादा बेटर है। ओ
तो भाई यहाँ बेस तो पहले से डिस्ट्रॉय है, और यहाँ पर हुआ क्या है अभी कुछ नहीं पता, तो कहानी वही। चलेंगे अंदर तब चलेगी पता कहानी। ये है आउटपोस्ट। तो चलते हैं गाइस अंदर और देखते हैं शायद यहाँ कोई वायरस की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। पहाड़ों पर तो कूद कूद के आ रहे हैं यार ये। तो ये आर्मर पहना हुआ तो अलग सा है, दिमाग की दही कर देता है भाई। गॉड स्वीट। ओ भाई कोई तो है जिसने सोल्जर्स की पूरी पैंट बजा डाली है, और ये ज़ॉम्बीज का काम नहीं है। कोई है भयंकर। ये रहा अब ये नया अलग आइटम कौन, अभी तेरी तो जहर उगला इसने भाई। और जहर उगलने की बात छोड़ो, जहर का निशाना कितना सटीक था, मतलब उड़ते हुए लहराते हुए एकदम आके हमारे ऊपर गिरा। कमाल है, ये अपने थूक को कंट्रोल कर सकता है भाई, मतलब कमाल है। बैंड बजा डाली पूरी फैसिलिटी की यार, थूक थूक के पूरे सोल्जर्स को मार डाला भाई, कमाल है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे ऊपर छूटता है तो इलाज विलाज करते हैं। कितना लहराते हुए उसका थूक आया था भाई। ओहो, पिछवाड़ा दिखाई दिया, थुकम थाक का, थुकम लाल का एक्चुअली। तो चलिए थुकम लाल से मिलते हैं आगे, देखते हैं शायद थुकम लाल की बैंड बजाने की बारी आए। ओ भाई थुकम लाल इधर जा रहे हैं, समय लगा। अबे क्या यार, सोल्जर्स की तो बैंड बजाता रहा है पूरी तरीके से। और ये देखिए खास बात की, जैसे ही ये मार के निकला वैसे ये तुरंत ज़ॉम्बीज बन गए, मतलब खतरनाक वाला आइटम है उसके अंदर। ओहो, कहां कहां से टपक रहे हो यार।
ओके गाइस, तो आउटपोस्ट के लगभग लगभग हम बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में और बजाएंगे इनकी बैंड। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।